भोलेनाथ को प्रणाम करता हूँ, माँ गंगा को प्रणाम करता हूँ। राजा देखा ऐसा ना कि जितना लोग पीछे तक खड़ा है, एक बार जोरदार ताली बजा दे। ये असली बनारसी आए आपके अपने। और गुरु देखा ऐसा ना कि ताली बजा दे बस हमारे अंदर जोश आ जाए। ठीक है, कल रात में सतीश सागर भैया आए, रात में 1:30 बजे की ट्रेन थी, पता नहीं कौन सा ऑटो वाला था लेके आया उसको, इनके गंतव्य स्थान तक पहुंच नहीं पा रहा था, होटल भैया का तक किंग्स बनारस। रात में 1:30 बजे भैया का फ़ोन आया कि यार आर्यन ऐसा है कि आ जाओ। अब यार गुरु प्रॉब्लम ऐसा हो गया कि 772 खंबा रहल और 1664 कुत्ता। भाई हम अपन पीड़ा रख ली इन लोग के आगे, हमके देखिए भैया ऐसा है कुत्ते बहुत ज्यादा है, रात का समय है। अच्छा, बोले ऐसी कौन सी बात है, तुम भी उज्जैन आए थे, हम तुम्हें लेने आए थे। अच्छा, मैं अब सोच में पड़ गया, हमके देखिए भैया ऐसा है कि आपके कहाँ 16 संस्कार है, हमारे का पहले से शुरू होता है अंतिम तक पहुंच जाता है। अच्छा, प्रेम मोहब्बत 80 से शुरू होता है और आगे आप सबको पता हरिश्चंद आता है, और वहाँ मामला बचा सीधे मणिकर्णिका तक आता है। अच्छा, एक बार तालियां बजा के इस बात की ज्ञान की बात हो गई। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, जिससे मुझे भी भ्रम रहेगा कि मैं भी जम रहा हूँ और आप सबको भी भ्रम रहेगा कि मैं अच्छा सुना रहा हूँ। वाह वाह, स्वागत है। आप सब देखे होंगे कि सारे कवि अपने चप्पल देखिए एक जगह पे उतारे हुए हैं, मैंने अलग जगह पे उतारा। भाई साहब कवि सम्मेलन बहुत मिलेगा, चप्पल एक ही है, 4,000 रुपए का भी 2 दिन पहले खरीदे। अच्छा हाँ। देखिए केस आप मुकदमा आप ही पे होगा, और मुकदमा अच्छा। भी आजकल बहुत हो रहा है। सुनिएगा काका हाथ रजी की एक कविता है, सुनिएगा। स्वागत है। साधु नहीं संत नहीं गुरु या महंत नहीं मुझे कोई, मंदिर या मठ नहीं चाहिए, अब भोगे हुए सत्य को उतारू कोरे कागज पे, कविता में छल या कपट नहीं चाहिए, अब मन से सुकाव्य को सराहे चार सुधी जन। अच्छा। कन रसियों का जम घट नहीं चाहिए, और आए हैं जो कवियों की चप्पल चुराने हेतु, ऐसे श्रोता मंच के निकट नहीं चाहिए, ऐसे श्रोता मंच के निकट नहीं चाहिए। चार पंक्ति, स्वागत है। वाह, चार पंक्तियां शुरू करता हूं जिसके लिए मुझे बुलाया जाता है। चार पंक्तियां सुनिएगा कि हम युवा क्या चाहते हैं, हम युवा के अंदर क्या प्रेरणा होती है, हम युवा क्या पढ़ते हैं, लोग क्या क्या पढ़ के चले जाते हैं और हम लोग क्या पढ़ते हैं, सुनिएगा। आप सबके बीच की बात रखता हूँ। अमन की चाह है दिल में नया आगाज होगा अब, अमन की चाह है दिल में नया आगाज होगा अब, कोई कहता रहे कुछ भी दिलों पे राज होगा अब, कोई कहता रहे कुछ भी दिलों पे राज होगा अब, मेरे होने न होने से कोई मतलब नहीं यारों, मेरे होने न होने से कोई मतलब नहीं यारों, मेरे इस हिंद के लोगों के सिर पे ताज होगा अब, मेरे इस हिंद के लोगों के सिर पे ताज होगा अब। कितनी सुंदर पंक्तियां, इसी बात पे एक बार हर हर महादेव। चार पंक्तियां और सुनिएगा कि हम क्या लिखते हैं। जहाँ होती सियासत है वहीं ईमान बिकते हैं, जरा से इको बढ़ा देना भाई। जहाँ होती सियासत है वहीं ईमान बिकते हैं, वहीं पर राम बिकते हैं, वहीं रहमान बिकते हैं, वहीं पर राम बिकते हैं, वहीं रहमान बिकते हैं, मेरे मालिक मेरे दाता ये कैसी है अजब दुनिया, मेरे मालिक मेरे दाता
ये कैसी है अजब दुनिया, दुकानों पर सही कहकर गलत सामान बिकते हैं, दुकानों पर सही कहकर गलत सामान बिकते हैं। एक बार फिर से पढ़िए, एक बार फिर से पढ़िए, बहुत बढ़िया, वाह। नहीं देखिए, उम्र तो मेरी है, मैं एक बार, मैं दो नहीं चार बार भी पढ़ सकता हूँ। जहाँ होती सियासत है वहीं ईमान बिकते हैं, वहीं पर राम बिकते हैं, वहीं रहमान बिकते हैं। मेरे मालिक मेरे दाता ये कैसी है अजब दुनिया, मेरे मालिक मेरे दाता ये कैसी है अजब दुनिया, दुकानों पर सही कहकर गलत सामान बिकते हैं, दुकानों पर सही कहकर गलत सामान बिकते हैं। और चार पंक्तियां मैं माओ के लिए पढ़ता हूँ। यहाँ पर जितने लोग भी जा रहे हैं, दो मिनट के लिए रुक जाओ, एक बहुत अच्छी पंक्तियां आप सबके सामने रखता हूँ, अच्छी लगे तो अपना आशीर्वाद देना, सुनना। मैं जब भी हार कर मायूस और सहमा नजर आया, मैं जब भी हार कर मायूस और सहमा नजर आया, जो मेरी माँ का चल है मुझे भीगा नजर आया, जो मेरी माँ का चल है मुझे भीगा नजर आया, जो मेरी माँ का चल है मुझे भीगा नजर आया। सभी माताओं के बच्चे बहुत अच्छे तो हैं लेकिन, सभी माताओं के बच्चे बहुत अच्छे तो हैं लेकिन, मेरी माँ को नहीं मुझसे कोई अच्छा नजर आया, मेरी माँ को नहीं मुझसे कोई अच्छा नजर आया। है के इस नाम में गीता कुरान पाक सी ताकत, है के इस नाम में गीता कुरान पाक सी ताकत, मेरी माँ है तो सबका कद मुझे बौना नजर आया, मेरी माँ है तो सबका कद मुझे बौना नजर आया। और वहीं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना कद अपने माँ बाप से ऊपर पहुंच लेते हैं। मैंने चार पंक्तियां अपने जीवन में जो सर्वोच्च लिखी है आप सबको सौंपता हूं, अगर अच्छी लगे तालियों का महोत्सव कर देना, सुनना। स्वागत है, स्वागत है। जो जालिम है उसे हर गिज़ मोहब्बत मिल नहीं सकती, जो जालिम है उसे हर गिज़ मोहब्बत मिल नहीं सकती, किसी भी पेड़ के साए में राहत मिल नहीं सकती, किसी भी पेड़ के साए में राहत मिल नहीं सकती, कि वृद्धा आश्रम में अपनी माँ को भेजने वालों, कि वृद्धा आश्रम में अपनी माँ को भेजने वालों, किसी कीमत पे तुम लोगों को जन्नत मिल नहीं सकती, किसी कीमत पे तुम लोगों को जन्नत मिल नहीं सकती, सिखाएंगे जिन्हें चलना वही रुख मोड़ जाएंगे। अच्छा सुनो, जितनी प्रेमिकाओं के बाबू यहाँ बैठे हैं उनको समर्पित कर रहा हूँ। सिखाएंगे जिन्हें चलना वही रुख मोड़ जाएंगे, जिन्हें दिल में बसाएंगे वही दिल तोड़ जाएंगे, जिन्हें दिल में बसाएंगे वही दिल तोड़ जाएंगे, मगर माँ बाप ऐसे हैं जो छोड़ेंगे नहीं हमको, मगर माँ बाप ऐसे हैं जो छोड़ेंगे नहीं हमको, भले ही हम बुढ़ापे में अकेला छोड़ जाएंगे, भले ही हम बुढ़ापे में अकेला छोड़ जाएंगे। हर हर महा। अरे अरे अरे, बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ी थोड़ी मैं लड़का माला भी पहना रहा है, उसमें भी स्वार्थ है। सुनना चाहूंगा,
बनारस की सुबह तू ही अवध की शाम हो जाए। अब असली बात शुरू हुई है। बात है सुनना। अब असली बात शुरू हुई है। बनारस की सुबह तू ही अवध की शाम हो जाए। मेरे दिल की हर एक धड़कन तुम्हारे नाम हो जाए। मेरे दिल की हर एक धड़कन तुम्हारे नाम हो जाए। नशे में डूबती आंखें तुम्हारी जब मुझे देखें। नशे में डूबती आंखें तुम्हारी जब मुझे देखें। कहीं ऐसा न हो दिल में मेरे को राम हो जाए। कहीं ऐसा न हो दिल में मेरे को राम हो जाए। वाह। दूर दूर से पहले उनको निहारेंगे। अच्छा। जितने भी लड़के जेआरएस और दुर्गा कुंड छोड़ के यहाँ शाम को आते हैं उनको समर्पित है, सुन लेना। वाह। दूर दूर से पहले उनको निहारेंगे। क्या बात है। जानबूझ कर जीती बाजी हारेंगे। अच्छा। बहती गंगा में तुम धो लो हाथ मगर। बहती गंगा मैं तुम धो लो हाथ मगर। मौका देख के हम भी चौका मारेंगे। मौका देख के हम भी चौका मारेंगे। जो दिल का पेज है खाली उसे अपनी मोहब्बत से। अच्छा। किसी दिन लैला मजनू सा फसाना करके छोड़ेंगे। किसी दिन लैला मजनू सा फसाना करके छोड़ेंगे। तू अब तक देख कर मुझको नजर अंदाज करती जा। तू अब तक देख कर मुझको नजर अंदाज करती जा। ये वादा है तुझे एक दिन दीवाना करके छोड़ेंगे। ये वादा है तुझे एक दिन दीवाना करके छोड़ेंगे। एक बार जोरदार तालियां आर्यन उपाध्याय के लिए। एक गीत मैं पढ़ता हूं। अभी तक हंसी मजाक प्यार मोहब्बत सब हो गया। मुझे लगता है कि जितने भी परिवार हैं यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सबके घर में कोई ऐसा शख्स होगा जिसने अपना पूरा उम्र अपने परिवार के लिए गंवा दिया और अंत में उसे क्या मिला। स्वागत है। देखिए इस गीत को प्यारा गीत प्यार मिला है। बहुत प्यार मिला है। आप सब जितने लोग हैं यहाँ पे दो मिनट सुन लेना, उसके बाद मैं अपना स्थान ग्रहण कर लूंगा। सुन लेना और तालियों का ताल देते हुए। सांपों का नर्तन देख लिया। सांपों का नर्तन देख लिया। सांपों का नर्तन देख लिया। सारा परिवर्तन देख लिया। सांपों का नर्तन देख लिया। सारा परिवर्तन देख लिया। आंगन में फूल खिलाने को बगिया बगिया महकाने को। आंगन में फूल खिलाने को बगिया बगिया महकाने को। मुझको लगता सब मेरे थे पर चारों ओर अंधेरे थे। हाँ हाँ मैंने सारा जीवन। हाँ हाँ मैंने सारा जीवन जिस घर को समर्पित कर डाला। हाँ हाँ मैंने सारा जीवन जिस घर को समर्पित कर डाला। उसने ही वक्त निकल जाने पर सब परिवर्तित कर डाला। उसने ही वक्त निकल जाने पर सब परिवर्तित कर डाला। और अगली बात सुनिएगा। बहना का फर्ज निभाना था। बहना का फर्ज निभाना था। घर का भी कर्ज चुकाना था। बहना का फर्ज निभाना था। घर का भी कर्ज चुकाना था। बूढ़ी आंखों का लाज था मैं। सब कहते थे कि ताज था मैं। बूढ़ी आंखों का लाज था मैं। सब कहते थे कि ताज था मैं। माँ बाप गए सब छूट गया। रिश्तों का बंधन टूट गया। माँ बाप गए सब छूट गया। रिश्तों का बंधन टूट गया। अपनी खुशियाँ अपने सपने। अपनी खुशियाँ अपने सपने सरयू में विसर्जित कर डाला। अपनी खुशियाँ अपने सपने गंगा में विसर्जित कर डाला। हाँ हाँ मैंने सारा जीवन जिस घर को समर्पित कर डाला। वाह वाह। एक बार जोरदार तालियां। और अंतिम बंद
कि वो इंसान सब कुछ त्याग के सब कुछ छोड़ के जिस परिवार के लिए खड़ा हुआ अंतिम में उसको क्या मिला। क्या अंतिम बंद मैं यहां से फिर अपना स्थान ग्रहण कर लूंगा। चार पंक्तियां लास्ट में सुन लेना। जब आंख खुली सब छोटा था, एक बार उसकी मनोस्थिति को महसूस करना। जब आंख खुली सब छोटा था, खुद की नजरों में टूटा था। जब आंख खुली सब छोटा था, खुद की नजरों में टूटा था। अपनों के हाथ में खंजर था, मैं सहम गया जो मंजर था। अपनों के हाथ में खंजर था, मैं सहम गया जो मंजर था। मैं सहम गया जो मंदर था, था खड़ा मौन सब हार गया। जीते जी यह दुख मार गया। जो थी प्राणों से प्यारी, जो थी प्राणों से प्यारी, उसका जीवन खंडित कर डाला। जो थी प्राणों से प्यारी, उसका जीवन खंडित कर डाला। हाँ हाँ मैंने सारा जीवन जिस घर को समर्पित कर डाला। हाँ हाँ मैंने सारा जीवन जिस घर को। हर हर महादेव। बहुत 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 धन्यवाद।